बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरु मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। आप ये समझो कि यानी उस समय पर था तो कलयुग और वो समझे कि द्वापर है, तब उन्होंने कहा, यह नीति नहीं कहती है, किसने कहा कलयुग ने कि हमारा तुम गला काट दो मार दो हमको। तब कहा तब क्या करें फिर तुमको, तो कहा हमको स्थान दे दो, हम भी रहें आप भी रहो, आप राज करो, हम हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारी छाया रहे, अधिकार हमारा रहे कि इनका राजा है। जैसे बहुत से राजा होते हैं मंत्री को अधिकार दे देते हैं, चलो देखो तुम, मुख्तारनामा लिख देते हैं, अटॉर्नी पावर जिसको कहते हो, तुम देखो हम मालिक तो हम ही रहेंगे, लेकिन तुम हमारा काम देखो दस्तखत पर जा जहाँ करना है तहाँ कर लो ऐसा। तो अब आप समझो कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको स्थान जुआ जहाँ होगा वहाँ दे देते हैं, वहाँ तुम रहोगे, और समझो कि शराब जहाँ बिकेगा वहाँ रहोगे, और जहाँ औरतों का नाच गाना होगा औरतों का यानी जमावड़ा रहेगा वहाँ तुम रहोगे, ऐसे ही जुआ चोरी शराब की दुकान और इनका ऐसे ऐसे स्थान दे दिया। तो कहा कि महाराज सब तो हमको ऐसे ही गलत जगह पर बैठा दिया आपने, अब कोई एक अच्छी जगह भी पर भी बैठा दो। तो सोचने लगे तो कहा कि कहाँ स्थान दें, बोले अच्छा सोना पर स्थान दे दिया, सोना क्योंकि उस समय सोने की ज़्यादा कीमत नहीं थी, हीरे मोती जवाहरात की बहुत कीमत थी उस समय पर, बहुत बड़े बड़े हीरे होते थे, अब भी बड़े बड़े हीरे पड़े हैं सब पहाड़ों के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसे समझो कि पहाड़ों में तहखाने बने हुए और उन तहखानों में पड़े हुए हैं, किसी को खबर नहीं है कहाँ पड़ा है क्या है। धर सब समेट लिया, किसने समेटा, धरती ने, नियत जब खराब हुई तो बरकत बंद कर दिया, यही धरती इतना अन्न देती थी, इतनी पैदावार थी बगैर मेहनत किए हुए, और आप देखो अब ज़्यादा खाद पानी डालते हैं, मेहनत करते हैं, जितना लागत लगाते हैं उस हिसाब से आमदनी नहीं होती है, बहुत से लोग रुपया पैसा सुरक्षा के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं कि हमारा सुरक्षित रहेगा, और खोदते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, और खोदते हैं तो पता जब बहुत मेहनत किया खोदा तो पता चला 50 फुट 30 फुट 40 फुट पानी आगे चला गया, 4 फुट 6 फुट जहाँ रखे थे उससे नीचे चला गया। तो ये क्या कहती छिपाती है, नदियों के किनारे देखो पानी भरा रहता है और बस पटाव होने लग गया और उधर खेत बन गया जहाँ पानी था गहरा पानी था और पटाव हो गया धरती और धरती समझो उधर से इधर खिसकी और पानी का बहाव उधर हो गया, उधर कटाव हो गया, उधर बह गया, तो ये सब क्या है, ये सब कुदरती यानी लीला है। तो कहा कि सोना में इसको स्थान दे दें, और सोना में स्थान दे दिया। अब जब सोना में स्थान मिला तो कलयुग उनके सोने के मुकुट पर बैठ गया, आप अपना असर दिखाया, जा रहे थे उधर से ही तो एक ऋषि का आश्रम था, तो लाओ सोचे पानी पी लें, यहाँ उतर गए आए, आप समझो कि कुछ दिन के बाद की बात है, उस समय का तो ख़त्म हो गया, वो उसके बाद घूमने जा रहे थे तो उतर पड़े घोड़े पर से, ऋषि का आश्रम था, आप समझो कि ऋषि के आश्रम पर रुके कि हमको पानी पत्ता ये पिलाएंगे उठेंगे, तो ऋषि आँख नहीं खोले, ध्यान में मग्न थे, आवाज़ लगाया कुछ नहीं, नाराज हो गए,
क्योंकि सोने का मुकुट लगाए थे और उस पर वो बैठा ही हुआ था। तो कहते हैं कि बुद्धि आदमी के भ्रष्ट कर देता है। क्या भ्रष्ट कर देता है? जो सिर पर सवार रहता है तो सिर पर आदमी क्या सवार कर लेता है? नशा, भांग का नशा, गांजा का नशा, टाड़ी का नशा, अफीम कोकेन का नशा, शराब का नशा, आने समझ लो कि अंदर डाल लेता है और उसका असर डालता तो मुँह में है लेकिन उसका असर शरीर के ऊपर यहाँ यहाँ पहुँच जाता है, शिखर पर, शरीर के शिखर पर। शिखर कहाँ है? सिर, सिर पर पहुँच जाता है। तो आप ये समझो कि उस समय बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी की विवेक खत्म हो जाता है, सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है जब सिर पर कोई सवार हो जाता है। आप ये समझो कि बोझा जब सिर पर रहता है तो जल्दी कोई बोल पाता है कि गा पाता है कि नाच पाता है, बोझा जब रहता है। ऐसे ही जब सिर पर वो सवार था कलयुग, तो बुद्धि खराब हो गई, सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, गुस्से में उसी को लपेट दिया उनके गले में, ऋषि के, राजा परीक्षित ने। और जब लौट करके आए और मुकुट को उतारा, तब वो जब उतरा कलयुग वहाँ से, सोने पर से उतरा, तो आप सुन लो कि तब उनको ज्ञान हुआ कि हमने तो बहुत गलत किया। ऋषि के गले में वो सांप लपेट दिया। इधर ऋषि का पुत्र, यानी समझो कि लड़का उनका, ऋषियों के भी पुत्र हुए होते ही थे, योग साधना करने वालों के भी गृहस्थाश्रम में रहते थे ज़्यादातर, यानी बराबर करते ही रहते थे, गृहस्थाश्रम के लोग करते ही रहते थे। अब उसी में जिनकी तरक्की हो गई, जो आगे बढ़ गए, यानी उनका नाम हो गया, बाकी लोगों का समझ लो कि नाम नहीं हुआ, वो उसमें तरक्की कर गए, ज़्यादा मेहनत किए। साधक देखो ऐसे होते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। देखो संत कई ऐसे हुए जो गृहस्थ थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज गृहस्थ थे, उनके भी गुरु गृहस्थ थे कई। देखो अन्य समझो आज संत जो कबीर साहब थे वो भी गृहस्थ थे, लोही उनकी पत्नी और कमाल उनके लड़के का नाम था। तो इस तरह से यानी गृहस्थ आश्रम में अन्य समझो रहे हैं, तो उनका लड़का निकला ऋषि का, जिनके गले में सांप लपेट दिए थे, तो उसने श्राप दे दिया कि सांप के काटने से उसकी मौत होगी, जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है। तो जब राजा ने विचार करवाया तो विद्वानों ने देखा, तो विद्वानों ने कहा कि वो तो श्राप दे दिया, आप श्रापित हो गए, अब तो सांप काटेगा, सांप काटने से ही आप मरोगे। तब आप समझो कि उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो बोले कि सर्पनाश यज्ञ करो। तो सर्पनाश यज्ञ किया, तो जितने भी सांप थे उसी यज्ञ कुंड में आकर के मर गए, खत्म हो गए। ये हो गया कि अब धरती विहीन हो गई सर्प से, लेकिन कहते हैं कि इंद्र के चारपाई में लिपटा हुआ सांप जिसका नाम तक्षक था, तो वो बच गया था, उनके प्रभाव से बच गया था। अब जब समय आया कि आज के सातवें दिन, बोला था वो कि आज के सातवें दिन वो ख़त्म हो जाएगा जो हमारे पिता के गले में सर्प लपेट दिया है, तो वो श्राप उनका, यानी जब काम करने का समय आया तो सर्प चला। आप समझो कि सर्प चला काटने के लिए, और विद्वानों ने बताया कि एक तक्षक नाम का सर्प बच गया है, वही काटेगा आपको। तब इन्होंने कहा और कोई उपाय, तो बोले कि धन्वंतरी वैद्य हैं और वो आँख से देख लेते हैं, तो जहाँ देख लेते हैं वहाँ जहर असर नहीं करता है, आप समझो उनको बुलाया जाए। तो यह भी चले, वो भी चला, तो सर्प इनके आगे गया और छड़ी बन करके ऐसे सोने की और पड़ गया, ऐसे जैसे छड़ी होती है टेढ़ी होती है, जैसे छतरी का ऊपर का हिस्सा कोई कोई टेढ़ा होता है, तो वही बन के ऐसे पड़ गया। तो कहा सोने में तो कलयुग था ही, इनके अंदर का मन कलयुगी हो गया, सोने के लिए लालच पैदा हो गई,
उसको उठा लिया और उठा करके थोड़ी देर तक तो हाथ में लिया रहे, और उसके बाद जैसे बहुत से लोग छाता ऐसे लटका देते हैं कंधे के ऊपर ऐसे और हाथ हिलाते ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि पैदल चलने वालों का हाथ जब हिलता है तब चलने में मदद मिलती है, तेज़ी आती है पैरों में, जल्दी सफर तय हो जाता है, बैलेंस भी बराबर रहता है, शरीर थकता भी नहीं है। तो लोग क्या करते थे, ऐसे झोली लटका लेते थे ऐसे, और फिर इसके बाद लटका लेते थे, पीठ पर रख लेते थे, हाथ फ्री रखते थे। अभी देखो बहुत से लोग ऐसे बैग पीछे लटका करके और पैदल ऐसे चलते हैं आराम से, हाथ में लेकर चलें तो या तो दोनों हाथ में लेकर चलें तब बैलेंस बराबर होगा, एक में रखने पर बैलेंस बराबर शरीर का नहीं होता है। तो यानी शरीर को ऐसे लगा लिया कंधे पर, बस उसने सांप ने ही काट लिया। अब यहाँ तो देख नहीं सकते हैं, जब यहाँ नहीं देख सकते हैं तो वो वहीं ख़त्म हो गए, आगे समझो कि असर से वो भी ख़त्म हो गए वहीं पर। मैं आपको ये बता रहा था कि असर रहता है, एक युग का दूसरे युग में असर रहता है, तो वो धीरे 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 इधर पनपता रहता है, और धीरे धीरे युग जब ख़त्म होने को होता है तब उसका असर और खराब होने लगता है और तेज होने लगता है उस युग का। तो वो जो सिस्टम है उसमें लोग बदलाव करने लगते हैं। आप जब समझो कि कोई चीज़ बता देते हैं, जैसे गुरु बता के चले गए, अब जब वो बता के चले गए तो आदमी कैसे समझे पूछे, उसके लिए वो व्यवस्था करके जाते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो संकट जब बना लेते हैं जीवों को पार करने का, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, एक लक्ष्य बना लेते हैं, एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। तो जो छूट जाते हैं उनके समय में उसकी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं, चार चार जन्मों में पार करने का उनका लक्ष्य निशाना बन जाता है किसी किसी जीव का। और पहले के समय में तो चार जन्म लगता भी था, प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म में नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पर, चौथे में निज धाम। पहले जन्म में तो गुरु भक्ति ही कराते थे, दूसरे जन्म में ये नाम देते थे, तीसरे जन्म में मुक्ति पर, तीसरे जन्म में मुक्ति दिया करते थे, स्वर्ग वैकुंठ दिखाते थे, चौथे में निज धाम पहुँचाया करते थे। पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, गुरुमुखता लाते थे। देखो गुरुमुखता बड़ी चीज होती है। अब आजकल आदमी मनमुख हो गया, समर्थ गुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिल रहा है, नामदान भी मिल गया, भजन ध्यान में भी समय देते, या देखा देखी ही दें, लेकिन मनमुखता नहीं जाती है। मनमुखता किसको कहते हैं, मन के मुताबिक खाता है, मन के मुताबिक चलता है, मन के मुताबिक रहता है, मन के मुताबिक पहनता है, मन को सम्मान दिलाता है, झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके अपनी प्रशंसा कराता है, अपने शरीर के लिए धन इकट्ठा करता है, यह है मनमुखता। और गुरुमुखता क्या है, जो गुरु कहें करो तुम सोई, यानी जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करो। आप ये समझो वो है गुरुमुख, जो गुरु के आदेश पर चलता है। अब गुरु तो ये चीज़ सिखाते नहीं हैं, ये इन चीज़ों को यानी समझो हटा करके दिल दिमाग से और परमार्थ का काम कराते हैं, परमार्थ भाव रखते हैं, तो यानी समझो गुरु के कहने पर करना चाहिए। आप ये समझो कि कोई कलयुग में ही गुरु का ऐसा महत्व नहीं है कि कलयुग में ही जो गुरु हम उनके आदेश का पालन करो तभी तुम्हारे अंदर सिद्धि मिल सकती है, तभी तुम पार हो सकते हो या तभी तुम्हारा काम हो सकता है। पहले भी ऐसा था, और जिन्होंने गुरु को खुश रखा और गुरु के आदेश का पालन किया, आज देखो कि जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं,
वो उन गुरु के आगे झुके कि जिन्होंने उनको आदेश पालन करना, सेवा करना सिखाया। आपको यह भी बता दें, जैसे पहले साधना वाली बात आई, तो साधना में लोग जब करते थे साधना, तो उसमें आलस्य भी आता था, कभी कभी बैठे बैठे ही ऐसे सो जाता था आदमी। जैसे आज इस समय सब योग की साधना में भी आपको आलस्य आ जाता है, इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, नहीं कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, थोड़ा सा आनंद आया। जैसे गर्मी से आदमी परेशान रहता है और ठंडी हवा लग जाती है, नींद आ जाती है, ऐसे थोड़ा सा आनंद आया, नहीं कुछ तो घाट की तरफ बढ़े ही, उधर बढ़े जिधर शीतल हवा है, गर्मी में तप रहे थे और ठंडी की जरूरत शरीर को पड़ी और उधर बढ़ रहे हैं, तो आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो नींद आ जाती है। अब नींद जब आएगी तो आदमी का समय निकल जाएगा, सोता ही रह जाएगा, अपने लक्ष्य निशाने से अलग हो जाएगा, तो क्या योग साधना करेगा, क्या सूरत सब योग की साधना करेगा। तो उसी समय से ये गोरख डंडा निकाल दिया। गोरख डंडा किसको कहते हैं, झाड़ू लगाओ, कपड़ा धो, और समझो कि रोटी बनाओ, खिलाओ, जो भी यानी संसाधन लोगों की सुविधा के लिए बना रखते हैं, उसमें मदद करो, उसमें सेवा करो। तो सेवा का विधान तभी से चला रहा है, कोई इस समय कलयुग में नया नहीं है, या आपको सेवा कराई जाती या गुरु महाराज ने कराया, तो कोई नया ये नहीं है। तो अब आप ये समझो कि सेवा आदेश के पालन से, भजन आदेश के पालन, जो भी आदेश हो उसको यानी समझो कि गुरु भक्ति कहा गया, और जो आदेश का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है। तो आज जिनकी पूजा होती है, देश में ही नहीं विदेशों में भी, जगह जगह पर कृष्ण का नाम लेते हैं लोग, कृष्ण के नाम पर नाचते गाते हैं, कृष्ण के नाम पर खुशी मनाते हैं, कृष्ण के नाम पर प्रसाद बांटते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन भंडारा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। ऐसे कृष्ण के गुरु थे, कौन थे, संदीपनी, संदीपनी गुरु थे। तो गुरु ने भी गुरु किया था, तो गुरु के आश्रम पर वहाँ रहते थे। बहुत प्रखर बुद्धि के नहीं थे, प्रखर बुद्धि किसको कहते हैं, तेज दिमाग जिनका होता, जैसे तेल होता है, बाल्टी में पानी भर के बूंद तेल डाल दो, फैल जाता है पूरे बाल्टी में। आप समझो कि जैसे अन्य समझो नमक को बताया गया कि अपना असर बहुत जल्दी जता देता है, थोड़ा सा आप डाल दो, यानी समझ लो सब्जी में, दाल में, पूरे सब्जी के टुकड़े में, दाल के दाने में उसका असर पहुंच जाता है। आप समझो कि एक बहुत सस्ती चीज, छोटी चीज और सुगंधी पैदा कर देती है। अयोध्या में वहाँ एक आश्रम था, तो वहाँ तो बहुत आश्रम है, वहाँ भंडारे चलते हैं, अखाड़े जिनको कहते हैं, अखाड़े हैं, भंडारा चलता है, तो कभी कभी बहुत भीड़ होती है, जैसे परिक्रमा होता है वहाँ, और राम जन्म मनाते हैं, ये सब उत्सव होता रहता है। तो एक सेठ आया, तो उस समय सस्ता जमाना था, तो कहा देखो महाराज, हमको एक पैसा खर्चा करना है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप मंगा दो, हमारे पास एक ही पैसा है, ऐसी कोई चीज़ मंगा दो कि जिससे यानी सबको भोजन मिल जाए, 2000 आदमियों को। पूछा कितने आदमी आपके भंडारे में खाते हैं रोज, आते हैं, तो बोले 2000 के करीब खाते हैं। तो कहा 2000 आदमियों को मिल जाए एक पैसे में। तो उन्होंने कहा भाई एक पैसे में कैसे होगा, क्या चीज़ हम मंगाऊँ। दो तीन जगह पूछा यही, कोई कहा 1500, कोई कहा 2000। एक जगह गए तो कहा कि 6000 आदमी खाते हैं हमारे यहाँ, कल तो 6000 खाए थे, और देखा भी बहुत बड़ा भंडारा है। उनसे कहा महाराज, दो पैसा है हमारे पास, दो पैसे की कोई चीज़ मंगा दो और आप इनको सबको खिला दो, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। बोले अच्छा लाओ। आदमी को बुलाया,
का जा हींग लिया हींग, तो दो पैसे की तो बहुत सारी हींग मिल गई, और उसी से दाल को बघरवा दिया और उसी को थोड़ा सा अन्य समय लोग की सब्जी में डाल दिया, अब सब में खुशबू फैल गई, सब में उसका असर पहुंच गया। तो ऐसे ही अन्य बुद्धि होती है, बुद्धि तेज नहीं थी, लेकिन जैसे चमड़े में सुराख बना दिया जाए तो जितना सुराख बना दोगे उतना बना रहेगा। इस तरह के तो थे कि जो बता दो उसको करते थे। तो जैसे और लोग रहते थे वहाँ, ये भी रहते थे, संदीपनी भी रहते थे, सुनते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, तो वहाँ हर चीज़ बताई जाती है सत्संगों में। तो गुरु के व्याख्या में इस चीज़ को समझ गए कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, एक गुरु के चरण को पकड़ लो, उनके वचनों को पकड़ लो, उनकी बातों को पकड़ लो, तो उससे काम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाकी लोग तो ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत दिल दिमाग वाला काम करते हैं, हम तो उतने हमारी अकल है नहीं। यानी समझो कि एक आदमी ने हमारे साथ ही तो रहते हैं ना, कई लोग यहाँ सब सेवा करते हैं, उसने कहा हमारी अकल नहीं काम करती है, हम क्या करें। तब हमने इस बात को सोचा कि बात तो सही है, इसके अकल के हिसाब से इनको बताया जाए कि जिससे ये कर ले जाए हर काम में कहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब सोचे हमारी ज़्यादा अकल काम नहीं करती है, तो हम आदेश के पालन में ही लगे रहें। तो एक दिन ऐसे उधर कुछ काम चल रहा था और गुरु जी बैठे थे, संदीपनी उधर से आते दिखाई पड़े, और वहीं पर गुरु जी का लड़का खेल रहा था, और वहीं एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था। संजीवनी उसी गड्ढे के किनारे से इधर आ रहे थे, बुलाए, दौड़ करके गए, बोले उस लड़के को गड्ढे में फेंक दो, अपने ही लड़के को गड्ढे में फेंकवा दिया। अब लोग उधर से और आ रहे थे, पीछे जो काम कर रहे थे कुछ आ रहे थे उधर से, समय हो गया था रोटी पानी खाने का, तो दौड़े दौड़े तो सबसे पहले तो लड़के को निकाला, और फिर उसके बाद उनको मार मारने लगे, गुरु जी के लड़के को तुमने फेंक दिया, मार डाला, तुम तो हत्यारा है, तो गुरुद्रोही है, और तो यह है, और तो कलंक है यहाँ से। तो गुरु जी ने जब रोका तो उनकी जान बची, और नहीं तो पीटते ही जा रहे थे। संदीपनी कुछ नहीं बोले कि गुरु जी ने कहा था, ये कहते गुरु जी ने कहा था तो बचत हो जाती, लेकिन कुछ नहीं बोले, मार खा लिए। फिर एक दिन आप ये समझो कि एक वहीं झोपड़ी थी, बोले संदीपनी हाँ कल लगा दे आग, झोपड़ी में आग लगा दे, उसी में ये लोग रहते थे, बोले कि आग लगा दे, इसने लगा दी आग, जल गई। अब वो और भी गए लड़के, जो हमारे रहने की जगह थी उसको जला दिया गुरुजी के झोपड़ी, पागल हो गया इसको, फिर मारे पीते, फिर गुरुजी ने बचा लिया। अब वहाँ सब लोग रहने लगे, और फिर जो है वो पढ़ने लगे, इनको एकदम से बायकॉट कर दिया अन्य लोगों ने, कहा कि ये गुरुद्रोही है और वो है, लेकिन अब गुरु जी इसको बचा रहे हैं, रखे हैं, तो हम कैसे हटाएं इसको, हम क्या करें, कुछ नहीं। पढ़ लिख करके लोग वहाँ और योग साधना करके जो गुरु के आश्रम पर रहते थे चले जाने लगे, संदीपनी भी चले गए। तो जब गुरु जी का आखिरी वक्त आया, और तब यहाँ पर जब आए तो गुरु जी से लोगों ने आशीर्वाद मांगा, तो गुरु मौज में तो आशीर्वाद का संकेत किए, और किसी को कुछ दे दिए, किसी को कमंडल दे दिए, किसी को काचमनी दे दिए, किसी को अपनी जो है वो थी आसनी थी वो दे दिया, किसी को दे दिया, और ये ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो बोले संदीपनी तुमको मैं क्या दूँ, मेरे पास तुमको देने का कुछ समय है ही नहीं, तुम तो गुरुभक्त हो, और गुरुभक्तों को देने का क्या, मेरे पास कुछ है नहीं इस समय, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि दुनिया में जिनकी पूजा होगी और जो दुनिया में नाम कमाएंगे
और काम जिनका पूजा करने वाला काम होगा, नाम होगा, उनके तुम गुरु बनोगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अंदर गुरु भक्ति है, गुरुमुखता है, तुमने आदेश का पालन किया है, तुम एक नजीर बनोगे। तो अब आप इस बात को समझो कि यह सब क्या है, ये दृष्टांत और ये जो बातें हैं ये क्या हैं? एक नजीर हैं, एक उदाहरण हैं। तो जैसे नजीर कोई होती है और वकीलियात कर लेता है, और वो नजीर जब कोर्ट में पेश कर देता है तो मुकदमा जीत जाता है, ऐसे ही इन बातों को अगर याद रखा जाए, गुरुमुखता याद रखी जाए, गुरु के वचन याद रखे जाएं, गुरु का महत्व समझा जाए, और जो अपने गुरु महाराज नाम बता करके गए, नाम याद रखा जाए, रूप याद रखा जाए, और जो उन्होंने बताया सुमिरन बराबर करते रहो, सुमिरन बराबर करते रहें, जिनके नाम को लें उनके रूप को याद करते रहें, ध्यान लगाते रहें, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके मालिक की तरफ लगाते रहें, भजन करते रहें, दुनिया की तरफ से थोड़ी देर के लिए भागना सीख जाएं, और उस आवाज़ के साथ जो 24 घंटे हो रही है जुड़ जाएं, तो मानव जीवन सफल हो जाए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा हो जाए, फिर लौट लौट 84 में ना आना पड़े, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू न बनना पड़े, दुख की गृहस्थी में, दुख के संसार में दुख न झेलना पड़े। तो असला निशाना प्रेमियों, यही बनाओ लक्ष्य उद्देश्य, आप यही बनाओ। देखो ये सूरत शब्द योग की साधना जो आप सुबह शाम यहाँ करते हो रोज, और बहुत से प्रेमी अपने अपने स्थान पर करते हैं, यही सबसे सरल इस वक्त की साधना है। इससे सरल और कोई नहीं है, पार होने का कोई उपाय नहीं है। इससे आप ये समझ लो कि लोक और परलोक बनाने का इस समय कोई उपाय नहीं है। इसी काम को अगर आप बराबर करते रहो, दरवाजे पर हाजिरी लगाते रहो, लोगों को लगवाते रहो, और लोगों को बताते भी रहो कि सरल रास्ता पकड़ लो, चर्चा ड्रॉपर की उस साधना से काम बनने वाला नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, 1000 नाम गुनगाना, ये वही नाम कि जिससे भाव सागर पार हो जाओगे, तो बराबर कोशिश करते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, करते रहो और कराते रहो। बोलो जय गुरुदेव। तो अब आगे समझो, बराबर हम लोग काम में लगे हुए, आप लोग भी अगर थोड़ा सा लग जाओगे, इनको समझाने बताने लगोगे, तो ये लोग भी बदल जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये चीजें खाने पीने वाली नहीं है। वो तो कहते दादाजी खाए, पिताजी खाए, सब लोग खाते पीते हैं, हमारे जात बिरादरी जी के लोग खाते पीते हैं, हमको भी खाना चाहिए। तो थोड़ा सा इनको समझाने बताने की जरूरत है कि मनुष्य का भोजन नहीं है, आप लोग इंसान हो, मनुष्य, और किसी जानवर को मार करके काट करके खाते हो तो दर्द उसको होता है, और उसके अंदर बीमारी की रूह है, जीव आत्मा है, इसलिए उसको मत सताओ, शाकाहारी हो जाओ, रहमान बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया गया, मुसलमान वो है जिसके अंदर मुसल्लम ईमान है, और जो मुसल्लम रहम है। ऐसे ही दया सिंधु कहते हैं कि उसको मिलता है, सच्चिदानंद उसको मिलते हैं कि जिसके अंदर दया होता है, दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकत रक्षा करें दोगी। तो दया धर्म को सब लोग अपना लें। तो थोड़ा सा प्रचार शाकाहारी सदाचारी का आप सब लोग कर लें, और अगर आप नहीं करोगे और करने के बावजूद भी अगर ये अन्य नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम होता रहेगा, तो प्रकृति सजा दे देगी। अभी आज की तारीख तक आपने मुसीबत नहीं देखा, मुसीबतें तो अभी आगे आएंगी, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, अन्य डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाएगा,
रोना ही नहीं कर पाएगा, कौन सी दवा नहीं मरीज खत्म हो जाए, देखने में तो कुछ नहीं, ऐसे खुजली होगी लेकिन उसी से इंफेक्शन हो जाएगा, खून मर जाएगा। आप देखो दुर्घटनाएं बहुत होंगी, रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, ऐसे मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं, ये बहुत है। आग बहुत लगेगी, जगह जगह आग लगेगी, गाड़ियां रोड पर दौड़ते दौड़ते आग लग जाएगी और जल जाएंगे, ये सब घटनाएं होंगी। एक साथ दो देवता सजा देने के लिए तैयार है, आग भी लग गई और कौन देवता ने तेज हवा चला दिया, कौन बुझा पाएगा। बारिश तेज होने लग गई और कौन ने उसको टूल दे दिया, तूफान का रूप ले लिया, कौन उसको रोक पाएगा। तो तबाही बड़ी बड़ी आगे, तबाही बड़ी बड़ी आएगी। उस तबाही से बचने के लिए लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाना है, तो थोड़ा प्रचार भी आप सब लोग इस बात का करते रहे, तो खराब समय उसके बाद फिर अच्छा समय। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस मछली अंडे शराब की दुकान ही नहीं होगी। अब यह है कि जो बंद कर देते हैं वो रवलो भूखे नहीं मरते हैं। मेरे कहने पर बहुत लोगों ने बंद कर दिया दुकानों, मांसाहारी होटलों को शाकाहारी में बदल दिया, बता रहे हैं अब अच्छी आमदनी हो रही। हमारे पास तो वो फार्मूला है कि बता दूं तो एक कमाए दस खाए, ऐसा फर्क तो बदल जाएगा, जमाना बदलेगा, समय बदलेगा, शत्रु के ही आने का आने लिखा पढ़ी में वर्णन मिलता है, लिंग पुरकांड के 40वें अध्याय में भी, सूर सागर में भी है, जगन्नाथ दास टूड़िया किताब में भी है, और गुरु महाराज तो हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आए, अच्छा समय आ जाए। लेकिन ये बीच के समय को सावधानी से पार करना है। अभी ठगी लूटपाट डकैती ये सब घटनाएं बहुत घटेंगी, इसलिए थोड़ा होशियारी से पार कर, भजन करते रहोगे, सत्संग में आते जाते रहोगे तो सब चीज समझ जाओगे। उसी तरह से यानी आप कांटों के बीच में जैसे गुलाब खिला रहता है ऐसे खिले रहो, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है उसी तरह से रह जाओगे, रहोगे इसी परेशानी में, इसी तकलीफों में, लेकिन आप अलग रहोगे लोगों से, आपको सुख और शांति का अनुभव होगा जिस भी परिस्थिति में आप रहो। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मजधार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।